आज हम व्रत की 3 रेसिपीज बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहली रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कद्दू लिया है, इसे हम अच्छे से वॉश करके छील लेंगे और छीलने के बाद हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। कच्चे आलूओं को भी हमने कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। और हमने यहाँ पर लिए हैं समा के चावल, जिसे व्रत वाले चावल भी कहा जाता है। इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम फाइन पाउडर तैयार है। अभी हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हमने ले लिया है एक बाउल, इसमें हम डाल रहे हैं कद्दूकस किए हुए आलू, कद्दूकस किया हुआ कद्दू, अच्छे से वॉश की हुई और बारीक कटी हुई पालक, कद्दूकस की हुई मूली, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक। अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल का आटा जो हमने पीस के रखा था। अभी हम सारा नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाकी बाद में ऐड करेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें डाल रहे हैं दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी हमें इसमें आटा कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड करेंगे और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए इसका मीडियम थिक बैटर तैयार कर लेंगे। व्रत की और नई रेसिपीज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। पानी और चावल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, सेम इसी तरह की रखिएगा। हमारा ये बैटर तैयार है। अभी हम इसे 2 घंटे के लिए एक तरफ रख देते हैं। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये पहले से थिक हो गया है और चावल का आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें अभी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ले लिया है एक नॉनस्टिक पैन, इसमें हल्का सा हम घी लगा लेंगे और फ्लेम को हमने लो ही रखा है और इस बैटर को हम इसमें डाल देंगे। इवनली स्प्रेड कर लेंगे, ना तो ये ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही पतला, और इसे लो फ्लेम में हम कुक कर लेंगे जब तक कि इसकी साइड में आपको गोल्डन कलर नज़र आना शुरू ना हो जाए। और ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी साइड में गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे और इसे फ्लिप कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद फ्लिप कर लेंगे और हल्का सा घी एक बार फिर से लगा लेंगे और घी लगाने के बाद एक बार फिर से हम पलट लेंगे। 1 मिनट और कुक करेंगे और फिर से पलट लेंगे। और ये देखिए हमारी ये पहली व्रत की रोटी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये रोटी कितनी ही सॉफ्ट बनी है आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसे इमली की चटनी, हरी चटनी या फिर आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और इंजॉय करें। इस वीडियो में दिखाई गई चीज़ों में से जो भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक पैन में डाल रहे हैं देसी घी, इसे हम गरम कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा, इसे हम कुछ सेकंड रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक और कद्दूकस की हुई कच्ची हल्दी। ये कच्ची हल्दी है, सेम अदरक जैसी दिखाई देती है लेकिन ये अंदर से पीले रंग की होती है। इसे हम कुछ सेकंड रोस्ट कर लेंगे, कम से कम 1 से 1.5 मिनट, ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे करी लीव्स, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दोनों चीज़ों को कुछ सेकंड हम पका लेंगे। कुछ देर के बाद अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए और रफली कट किए हुए आलू, सेंधा नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट हम कुक कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। बीच बीच में आप इसमें कड़छी ज़रूर चला लें। 2 मिनट के बाद हमारे ये आलू तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, लेकिन मैं इसमें दही डालूंगी। दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई कर लिया है और हाई फ्लेम में इसे हम मिक्स करते जाएंगे ताकि दही फट ना जाए। ध्यान रखिएगा दही ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मीठा होना चाहिए।
आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया है, अब दही नहीं फटेगा। अब हमने इसमें डाल दिया है पानी। पानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। 2 मिनट हो गए हैं सब्ज़ी को पकते हुए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ये आलू की सब्ज़ी तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म सर्व करें किसी भी व्रत वाली रोटी के साथ। आप इसे ऐसे भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्ची हल्दी ना हो तो आप उसे स्किप कर दें। इस वीडियो में दिखाई गई जो भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं अपनी तीसरी रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक बाउल में डाल रहे हैं अच्छे से साफ की हुई और बारीक कटी हुई पालक, कद्दूकस की हुई मूली, कद्दूकस किया हुआ कद्दू, उबले हुए और अच्छे से मैश किए हुए आलू, एक हरी मिर्च, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कद्दूकस किया हुआ अदरक, भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, और हमने ये लिया है कुट्टू का आटा। आटा हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे। आटा बस हम उतना डालेंगे जिससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक डो तैयार कर लें। 2 बातों का खास ध्यान रखिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, और दूसरी बात, डो सिर्फ उसी टाइम बनाइएगा जिस टाइम आपने रोटी बनानी है। अगर आप इसे पहले से बना कर रख देंगे तो ये सारा पानी छोड़ देगा जिससे आपको रोटी बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। हमारा ये डो तैयार है, अब हम इसकी रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पेपर लिया है, इसके ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर रोटी तैयार कर लेंगे। हमने थोड़ा सा डो ले लिया है और इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए पतली सी हम रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी बनाने के लिए हमने इस शीट का इस्तेमाल इसीलिए किया है, ऐसा करने से रोटी बड़ी ही आसानी से शीट से निकल जाती है। ये देखिए हमने रोटी को अच्छे से बना लिया है और कितनी ही आसानी से शीट से भी निकल गई है। अब हमने ले लिया है नॉनस्टिक तवा, इसके ऊपर हल्का सा घी लगा देंगे और इस रोटी को इसमें हम डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है, हाई फ्लेम में इसे कुक ना कीजिएगा। इसे हमने तब तक कुक करना है जब तक इसकी साइड में आपको हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आना शुरू ना हो जाए। ये देखिए इसमें हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी और लगा देंगे और इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। इस रोटी को हमने दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए हमारी ये रोटी तैयार है। इसी तरह से आप सभी रोटियों को तैयार कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। आप इसे गर्मा गर्म ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे चटनी या फिर सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी में दिखाई गई जो भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं आप उसे स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारी ये तीनों व्रत की रेसिपीज तैयार हैं। आप इन रेसिपीज को ज़रूर ट्राई करना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।